भाई सारे कुत्ते हम ही ले आए हैं क्या? किसे बोलते? ओए कहाँ मारा? हेलमेट पे भाई साहब, कह रहे मेरी शक्ल मत दिखाना इसके साथ। ये टोटल 108 है यहाँ पर, इतने सारे कहीं पर भी नहीं है पूरे भूटान में साथ में। ये इसको कहते हैं भूखी नंगी। ये देख रहे हो, ये देखो पैकेट खुला और कैसे कैसे निकाले सुते हाथ में। थिम्पो पे आपको एक भी रेड लाइट नहीं दिखेगी, एक भी रेड लाइट नहीं दिखेगी। इसकी हाइट है 169 फुट। ओ भाई, भूटान में भी एक्सीडेंट देख लिया, पूरा बम्पर चला गया। यू लव इंडिया और नॉट? यस वी लव, वी इंडिया एंड भूटान, वी आर फ्रेंडशिप नो। यस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम हैं पुनाखा में। आज हम यहाँ से जा रहे हैं पारो, रस्ते में थिम्पू कवर करते हुए जाएंगे, एक दो मंदिर हैं वो कवर करेंगे, दो तीन लोकेशन है अच्छी अच्छी वो कवर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। अभी सबके सब हो रहे हैं रेडी, एक बार रूम की हालत दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ हमारे रूम की हालत है और यहाँ पूरा हमारा बिजली घर फैला हुआ है, गोप्रो चार्ज हो रहा है, लैपटॉप में वीडियो रेंडर हो रही है, उसके बाद यूट्यूब अपलोड होगी। यहाँ हमारा भाई रेडी हो रहा है, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज दिखाता हूँ आपको, हमारी बालकनी जहाँ से सामने का भी बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए कितना बेहतरीन व्यू है, बस दीवार के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। एक चीज़ और है, उस खिड़की से भी तो बेहतरीन व्यू है, वो भी दिखाया था ना, यहाँ से भी बहुत बेहतरीन व्यू है, आप देखना चाहेंगे। ये देखिए है क्या, कहाँ देखूँ? बनाया क्यों ये? लग रहा है कि बालकनी जब बनाई होगी तब ये, हाँ ये होटल होगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा अपने को व्यू चाहिए था कि शहर नजर आता। लेकिन हाँ, किसी ना किसी के कमरे से तो कई बार खन्ना के कमरे में चलते देख कर आते हैं। आमिर भाई कितनी देर लगेगी? 10-15 घंटे। रुको फिर बात, अब आ जाना तुम बाहर, खोल भाई। ये वही कमरा है जहाँ से ना हमें रात को बाहर निकाल दिया गया था, ये देख लो, ये वही कमरा है जहाँ से हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। अच्छा भाई साहब, चीटिंग आज मैंने पहनी और तूने भी पहन ली, मैं ये चीटिंग कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि तू मेरी जैसी बनवा ला है, मैं कह रहा हूँ आज मैंने पहनी तो आज तूने भी पहन ली। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, दो हफ्ते पहले फोन आया खन्ना कि भाई टी शर्ट बनवा दूं, मैं हाँ हाँ बनवा ले बनवा ले, आज दिए इसने टी शर्ट, आज आधा टूर खत्म हो गया, चार दिन खत्म हो गए, दो दिन रहते अब हमारे यहाँ पर, आज में वगैरह भाई टी शर्ट पहन ले के आज मिला, हाँ आज पहन लेते। कुत्ता कौन भोग रहा है? ये एक ही तो कुत्ता है हमारे ग्रुप में, यही है। हेलो ब्रो छोटो को हेलो, ये देखो इंडिया टू भूटान, भाई सारे कुत्ते हम ही ले आए हैं क्या? जब भी ये लोग साथ में होते हैं ना, मेरे को कोको की कमी बिल्कुल ही महसूस नहीं होने देते। बाकी हमने फोन करके ऑर्डर दे दिया था, पूड़ी छोले आलू पराठे चाय ये सब खाएंगे। और तुम्हारी बालकनी से कैसा व्यू दिखता है? इधर से भी बढ़िया नहीं है, ये खन्ना वाले कमरे से भी बढ़िया नहीं है, खोल के दिखाता हूँ खिड़की। हमें बाइक दिखती है ना भाई, पूरी पूरी, हाँ यहाँ से हमें हमारी बाइक दिखती है, बस ये चीज़ बढ़िया है। ये देखो भाई यहाँ बाइक खड़ी हैं, ओ भाई यहाँ से भी अच्छा शहर दिख रहा है यार। एक तो अपनी टांड घुसा लिया बीच में, तुम्हारी बालकनी दिखाओ। अबे ये कैसी बालकनी है, हमारी वाली जो है इस दीवार के उस तरफ है, इसकी वाली यहाँ पर है, बस ये यहाँ से दो घर और दिख रहे हैं एक्स्ट्रा, लेकिन घर कितने सुंदर सुंदर बने हुए हैं ना यहाँ। ये देखो कारीगरी देख रहे हो, देख रहा हूँ मैं आपको। अरे छोटो को हेलो, हेलो। लेकिन भाई तुम्हारी विंडो से व्यू अच्छा है, सारे कमरे की बालकनियाँ देख ली है, लेकिन ये ओहो हो ये बढ़िया है, ये बेस्ट है। ये देखो हाँ पूरा मार्केट व्यू है, ये देखो नीचे शॉप है। मशीन चाहिए घर के लिए? वॉशिंग मशीन डाल लो, पीछे बाइक के बांध लो। और एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, इस बॉक्स के अंदर ही होनी चाहिए, अगर इस बॉक्स से बाहर होगी तो आपका चलान कटेगा। सारे बॉक्स बने हुए, और देखो पीछे वाली गाड़ी बॉक्स के अंदर है, ये भी बॉक्स के अंदर है, वो सामने वाली बॉक्स के अंदर है। हमने कल रात को पुलिस वाले से बात भी करी थी कि यहाँ पर गाड़ी वाली जगह पर हम अपनी बाइक लगा दें, उन्होंने मना कर दिया, नहीं बाइक वाली जगह पर बाइक लगेगी, यहाँ गाड़ी ही लगेगी। ए मेरी जोर जबी तुझे मालूम नहीं कितनी है हंसी और मैं जवान। तू ठीक है आज? गुस्से में आ गई है, सुबह सुबह ही है। ए ये औरत मेरे को चाकू मारना चाहती है। अब एक मिनट रोको ना इसको, अरे बंद करो ना भाई। मेरे से ना बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि इसने इतने बड़े बाल क्यों रखे हैं, क्यों रखे हैं, क्योंकि ये भी सरदार बन रहा है, मेरा नहीं बेटा मेरा बेटा तुम्हें पता ही है, तुमने वीडियो में देख ही लिया, अब ये सरदार बन रहा है, दस्तारबंदी कर, कब है इसकी दस्तारबंदी, कब है? जाते ही दस्तारबंदी कर देंगे, है ना? डन है भाई, डन है। आमिर प्री, इसका अभी नाम जो है वो है ताजमुल आमिर, अभी इसका नाम हो गया आमिर प्रीत सिंह, तो घर जाके इसका नामकरण होगा।
ये देख लो भाई, एक यूट्यूबर का शक्ल, जगह जगह जाके नेटवर्क पकड़ रहे, कहीं तो नेटवर्क आ जाए, फटाफट से व्लॉग अपलोड हो जाए। कहाँ रहा भाई, कहाँ रहा नेटवर्क? खिड़की। तो अब जाके हमारा व्लॉग अपलोड हुआ, अभी पब्लिक नहीं कर रहा, पब्लिक करेंगे। ओहो, आ चुके हैं हमारे दावा जी। कहाँ गए थे सुबह तो हेलमेट पहन के? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग फ्रॉम पुनाखा। रिपोर्टिंग फ्रॉम पुनाखा। गोइंग टू पुनाखा जॉन, देन वी विल गो टू छिमीलगांव। ओके, देन वी विल गो टू, वी विल स्टॉप फॉर दोचुला। ओके, देन वी विल गो टू पारो, बुद्धा पॉइंट। बुद्धा पॉइंट। एंड फ्रॉम थिम्पू वी विल गो टू पारो टुनाइट। ओह ग्रेट, सी यू एट पारो। यस, लेकिन आप गए कहां थे सुबह सुबह? सुबह सुबह हमको, एक्चुअली आई डोंट वांट टू शो, बट आई वांट टू शो अ सरप्राइज। आई डोंट वांट टू शो, लेकिन आई वांट टू शो, लेकिन आई वांट टू माय टुडेस एनर्जी बूस्टर। ओके ओके ओके। तामुल, तामुल पराठा भाई ज्यादा ही बड़ा, इसलिए हाफ ऑफ कर रहे हैं हम, क्योंकि पूड़ी भी तो खानी है ना। मैम पूड़ी, पूड़ी इसमें है? ओह, ये तो लुच्ची है। लुच्ची खाई कभी तूने? लुच्ची की होता है मेरे? लुच्ची नहीं खाई? लुच्ची की होता है भाई, मैदे की बनती है लुच्ची। चल खा लूंगा, लेकिन खानी किसके साथ है? छोले का है। देखो भाई, ये आलू ऐसे आए हैं और ये पूड़ी ऐसे है। यहाँ मेरे को समझ नहीं आता ऑर्डर देना कैसे है, पागल वागल। एक तो मेरा बेटा पागल हो गया, ये मेरे को समझ नहीं आता कि यहाँ पर हमें ऑर्डर देना कैसे है। आलू पूड़ी बोली थी और ये पूड़ी तो ऐसी है, लेकिन आलू वो ग्रेवी वाले नहीं होते, तरी वाले। अब इनके साथ कैसे खाऊं पूड़ी? आपने पापड़ लिया क्या? नहीं खा रहा मुझे पापड़। तो पापड़ खाओ, ध्यान से गला ना कट जाए। ध्यान से गला ना कट जाए। जीभ भी कट सकती है इससे। ये पूड़ी है भाई, मैंने तो पहली बार देखा, मैदे का पापड़ भी होता है। पूड़ी है ये? इसको असली में पापड़ लग रहा है, ये पापड़ी है। हाँ, टेस्ट पापड़ जैसा ही है। वो देखो भाई, हमारी बाइक पे बिल्लो रानी बैठी है। बिल्लो रानी, वो देख रही हो भाई साहब, उसने देखा, और बीच में इतना मोटा शीशा है, उसने देखा, ध्यान दिया। वो देख देख देख, इसको पराठा खिला के आती। क्या खिला के आती हूँ? पराठा। पराठा? वो नॉन वेज खाती है, तुम्हारा दिमाग खाएगी। मगज खिलाओ उसको। दिमाग तो उसमें है ही नहीं, फिर क्या खाएगी वो? भगा दी बिल्ली, भगा दी। भाग गई वो, डरती है भाई, ये पालतू थोड़ी है, ये इंसानों से डरती है। वो भाग गई बिल्ली उस तरफ, वो भागी। हेलो, बाइक स्टार्ट कर दी है वार्म अप के लिए, और सारा सामान भी सेट कर दिया बाइक पे, और टाइम आपको बताऊं 11:20 निकल। थैंक यू होटल का स्टाफ, एक नंबर। थैंक यू सर। खाना एक नंबर, सर्विस एक नंबर, सब कुछ एक नंबर, बस थोड़ी पूड़ियाँ अकड़ी हुई थी, बाकी सब बढ़िया, बाकी सब बढ़िया। और इस ब्यूटीफुल शहर को बाय बाय कहने का टाइम। पुनाखा, खुरुथांग पुनाखा। पहले मेरे को लगा था इसको खाली पुनाखा बोलते हैं, लेकिन बाद में पता चला इसका खुरुथांग पुनाखा कहते हैं। और देखो, बिल्कुल माउंटेन्स के बीचों बीच है, आसपास पूरे माउंटेन है बड़े बड़े, और बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। फिर से एक बार पहाड़ों का सफ़र शुरू हो चुका है, और ये देखो भाई साइड में नदी कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी सुंदर। बस बाबा जी से प्रे करते हैं यहाँ तक हमें लेकर आए हैं, ऐसे ही अच्छे से राइड कंप्लीट करवा के घर पहुँचा दे, और ऐसे बढ़िया बढ़िया नज़ारे आगे लाइफ में दिखाते रहे, तो बस कृपा करना बाबा जी। और आज के हम पहले पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, और हमारे गाइड जी कह रहे हैं यू टर्न मार के वहाँ लगाओ ताकि फ़ोटो आ जाए बढ़िया। मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, एक बारी अपने गाइड जी से पूछ के बताता हूँ, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है यार ये, बहुत ही सुंदर। देखो गोप्रो से हटा के कैमरे से दिखाता हूँ एक बारी। ये देखो क्या सुंदर जगह, क्या है ये? दिस इज पुनाखा जोंग। ओके, बिल्ट इन 1637 बाय शबडुंग ओन नमगे, हु इज द फाउंडर ऑफ भूटान, एंड दिस इज यूज्ड एज द विंटर कैपिटल ऑफ भूटान। ओके ओके। तो अब मैं आपको अपनी देसी लैंग्वेज में बता दूं, ये है पुनाखा जोंग। जोंग मींस किला, जब लड़ाई वगैरह छिड़ती थी ना, तो यहाँ पर वो अपने बंदे सेव करके रखते थे। और इसके बाहर से जो रिवर निकल रही है ये फीमेल रिवर है, और वहाँ से आ रही है मेल रिवर, और ये आगे जाके दोनों मिल जाते हैं, और इसके मिलन को ये लोग कहते हैं पीस का प्रतीक है ये। मतलब हर जगह शांति रहनी चाहिए, कहीं पर भी शांति नहीं होनी चाहिए, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। यहाँ का ये बिगेस्ट किला, इससे बड़ा किला पूरे भूटान में नहीं है। ये देखो, ये जो रिवर देख रहे हो ये फीमेल है, और वहाँ से मेल आ रही है, और वहाँ इनका संगम हो रहा है। तो ये आज की पहली लोकेशन थी जो हमने देखनी थी और आपको भी दिखानी थी, और मेरे को मेरा मोए मोए भी मिल गया, इसको मैंने जेब में संभाल के रखा था,
इसको लगा देता हूँ नीचे। चलो अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। अब वो क्या है वो वहीं जाके आपको बताएंगे, या पूछ लो इनसे एक बारी। अब कहाँ जा रहे हैं हम? टेम्पू। फर्टिलिटी टेम्पल। ओके ओके, अब हम यहाँ से जा रहे हैं फर्टिलिटी टेम्पल। चलिए, और फर्टिलिटी टेम्पल मुझे नहीं पता मुझे वीडियो में दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए। वैसे तो मुझे लग रहा है कि दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ है, अगर हम भूटान आए हैं कुछ अलग चीज़ है तो दिखानी चाहिए। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज भी देखती हैं, तो मैं कल से ये सोच रहा हूँ दिखाऊँ या ना दिखाऊँ। यहाँ जितने भी स्तूपा होते हैं, होटल होते हैं, सबके बाहर उन्होंने फ्लैग लगाए होते हैं। देखो यहाँ भी लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं, मतलब सारे ना बाइक भी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहन के चलाते हैं। देखो इनको ठंड में ठंड नहीं लगती होगी टांगों पे ऐसे, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ। और ये वापसी हम पुनाखा आ गए हैं, वो देखने के लिए गए थे किला, अब इधर से जाएंगे वो टेम्पल, उसके बाद जाएंगे बुद्धिस्ट स्टैचू बहुत बड़े से। वो देखो जैसे लग रहा है असली बंदे खड़े हैं, दूर से ऐसे लग रहा था असली खड़े हुए हैं तीन बंदे। तो अभी हम लोग जिस टेम्पल जा रहे हैं ना, उस टेम्पल में प्राइवेट पार्ट्स की पूजा होती है। सुनने में थोड़ा आपको वैसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर उनको पूजा जाता है। और जितने बंदे इंडिया से देख रहे होंगे उनके लिए बिल्कुल ही अलग लेवल की चीज़ होगी कि ऐसा भी कुछ होता है। लोगों को आइडिया भी नहीं है, मेरे को भी नहीं था, मेरे को पता लगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही चीज़ आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आई थिंक वो टेम्पल ना वहाँ पर है, अभी हमारे गाइड जी वहाँ इशारा कर रहे थे। लेकिन रोड कहाँ जा रही है सामने देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके, ये है हमारी मेन रोड, हम लोग जा रहे हैं नीचे को। आई थिंक डी रूट है, नीचे जाएंगे फिर यहीं से ऊपर आके वहाँ जाएंगे। घरों के बीच में से निकलते हुए छोटी छोटी गलियों से। ओके, वेलकम टू एक्सपीरियंस अस, आई थिंक हम पहुँचने वाले हैं। सामने ना देखो, सिर्फ यहाँ यहाँ देखो ना, ऐसा लग रहा है पंजाब में घूम रहे हैं। और सामने देख रहा हूँ तो फिर लग रहा है हाँ भूटान में घूम रहे हैं, फ्लैग देख के डिज़ाइन देख के। ओ रोड देखो कैसे ऊपर जा रही है, यहाँ पर ये बहुत बिकते हैं, देख रही हो मास्क। बात सुन ले मेरी। हाँ। तमीज में रहकर। क्या? और सब बढ़िया। क्या बोला तूने अभी, तमीज में रहकर? नहीं नहीं। मतलब जब मन करे फालतू बोल दो। हाँ। भगवान का शुक्र है मेरा कैमरा, ये देखो मेरा कैमरा ऑन था अभी। देखो ये देखो, ये देख रहे हो मेरी बाइक को लात मारता है, मुक्का मारता है, देखो फ्री में हॉर्न बजाता है, पैसे भी नहीं देता। देखो इंडिकेटर ऑन कर दिया इसने। चल रहे हैं क्या? और क्या, चेक कर रहा था भाई सारी चीज चल रही है कि नहीं चल रही। रुक जा मैं भी चेक करूंगा। भाई भी क्यों भाई, सॉरी हाथ भाई, पानी पानी पहले डब्बा चेक कर लो ना, गिर तो नहीं रहा भाई, ये फिर गिर जाएगा सालो है? मैं तो निकल जाऊंगा तुम लोगों के ऊपर आ जाएगा। अबे ये गिर गया तेरी तेरी गाड़ी का शीशा खोलने वाला ये यहाँ रह गया। आमिर का हेलमेट का शीशा खोलता है, आमिर तेरे हेलमेट का शीशा खोलने वाला। हाँ जब वो करेगा कुछ फिर तू रोएगा। सच बता दे रोता कौन है, करता इसको तमीज ही नहीं। वो देख इसने मारा तेरे, गर्मी को मद्देनजर रखते हुए सबने अपने अपने गॉगल लगा लिए। साहिबा के पास है नहीं तो साहिबा को चश्मा दे दिया गया है, लगाओ जल्दी वेल्डिंग वाली। ऐसा लग रहा है मार्स से आई है, मार्स से है ना। यू लुक लाइक अ दैट स्कूबा स्विमर, स्कूबा डाइविंग। तो था ही महंगे वाला गॉगल जो मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को गिफ्ट दिया था, अच्छा लग रहा है, थैंक यू मेरे भाई, आज काम आ रहा है। तो यहाँ हमारी एंट्री होगी आई थिंक 500 या 1000 रुपये। अच्छा 16 से 17 साल 250 रुपये और 18 साल से ऊपर 500 रुपये। बताओ टेम्पल देखने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं। इसमें सामान गिर तो नहीं जाएगा? नहीं 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 गिरेगा। यहाँ पर सारे बंदे तमुल खाते हैं। और वो रहा हेलमेट राइडिंग जैकेट सब कुछ उतार दिया। ले आओ भाई 500 रुपए ले आओ सारे। 500 दोगे तभी एंट्री होगी। हम सब ने इंडियन नोट दिए हैं। और इसको देखो भाई भूटानी नोट लेके घूम रहा है। किसका डायलॉग बोल रहा तू? अरे मैं तो 200 बोल रहा हूँ। मेरी गर्दन के पकड़, मैंने थोड़ी बोला, उसने बोला 200
₹10 वेस्ट हो गए। चलो कोई बात नहीं, नहीं तो आप अगर ऐसे बोलते दो तार तुम्हारे मुंह से थूके निकल के मेरे सब्सक्राइबर पे चली जाती, बुरा ना मान जाते हो? नहीं नहीं। अच्छा मैं पहले बता देता हूँ, मैं इनसे पूछा था कि मैं यहाँ वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, तो ये बता रहे हैं कि बनाओ, क्यों बनाओ उसका रीज़न ये बताएंगे, बताओ। यस, द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस टेम्पल, दिस टेम्पल चिमिलहगा, द टेम्पल ऑफ फर्टिलिटी इज नॉट फेमस ओनली विद इन भूटान, इट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। You can see later on in the temple, there is a big album of full of photos who has got the couples who have got conceived and got a child which they didn't get a child before in their life. साथ साथ में हिंदी में बताया तो जिनका बच्चा नहीं होता वो यहाँ पर आके प्रे करते हैं और उनको चाइल्ड मिल जाती है, ब्लेसिंग्स लेते हैं उनको चाइल्ड मिल जाता है, मतलब चाइल्ड हो जाता है। Yes sir, so that's why this temple, those who have got the child after getting a blessing from this temple, every year they used to come and offer to get the more blessing and to have a long life. The reason one of your friend, his good name is Khanna is saying, oh let's not make a video because family dekh rahi hoti hai video about this temple, because so family bhi dekh sakta hai, bachcha log bhi dekh sakta hai, but from my point of view this is wrong. This is 21st century, you have to educate your child from everything, from starting from using a pit, from using a condom, everything you have to upgrade and then give a training to the young youth children to save many things. So it's very important to make a video and let your subscriber know, because the moment when you are traveling to this temple, you must have seen lots of handicrafts with the phallus. The phallus is normally in Bhutan, we treat this as to avoid the evils. Nazar mat lagao. Nazar mat lagao. Buri badi story. छोटी में बताता हूँ, ये कह रहे भाई 21वीं सेंचुरी है, हर चीज़ जो दुनिया में है उसको दिखाओ, लोगों को पता होना चाहिए बाहर क्या चल रहा है। तो बस ठीक है, हम दिखा रहे हैं, आप देखो। This temple is built in 1499. 1499. 99 में बना था ये टेम्पल, 1499. सांस चढ़ गई इनको। और राइडर है। वो देखो, वो पूरा डिलान से ऊपर आए हैं और वो वहाँ तक जाना है। So she, the lady out here, she has also come to offer the offering temple because she got a blessing of her son. Okay. Yeah. She has got two daughters continuously. Then they had a wish to get a son. Very nice. But they didn't get a son. So after visiting this temple, they got a son. For the gratitude, she is coming every year to offer and get son? A blessing. Very nice. So you are from Bhutan? And okay. The child born in this temple, when they get a name, the name will start from Kille. Because the temple belongs to Lam Dupa Kille, the Batman. Okay. Oh, nice. हर बच्चे का नाम किले से स्टार्ट होगा। किले। इनका नाम क्या? किले तो होने ही पड़ेगा। हाँ? किले हिंदू। किले हिंदू। बता रहे हैं यहाँ से जिसको भी ब्लेसिंग मिलती है और उनका चाइल्ड होता है तो उसका नाम किले से ही शुरू होता है। किले उसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो टेम्पल जिन्होंने बनाया था उस टाइम पे 1499 पे, उनके नाम के आखिरी में किले आता है। पूरा नाम क्या था मैं भूल गया। डुपा किले। डुपा किले। डुपा किले। हर्ष के घुमाते ही आंधी चलने लग गई है। कितना बड़ा पेड़ है ना, पीपल का पेड़ है ये। दावा सर उनका खाना खा के आ गए। क्या हवा चल रही है ना, तगड़ी, पूरा पेड़ लहरा रहा है। और इस टेम्पल का नाम है शी मी हा गंग। और ये देख रहे हो आप, कहते हैं पुराने टाइम में एक डेमोन था, एक शैतान था जो पूरे आसपास के गांव को परेशान करता था, उसको इसमें कैद किया गया है, इसके अंदर है वो, इसके बाहर फिर पूरा ये बना दिया। अब जब तक ये बना हुआ है तब तक वो बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पर शूज अलाउड है, आराम से आप पहन के जा सकते हो, आपको उतारने नहीं पड़ते। हमारे दावा जी का दूसरा काम है, वो यहाँ के रजिस्ट्रार है, यहाँ पे सारा पैसा यही इकट्ठा करते हैं। अरे यार प्लीज यार। तो जूते यहाँ खोल के जाने हैं, वहाँ से यहाँ तक आ सकते हो जूते पहन के, लेकिन यहाँ सबको खोलने पड़ते हैं। ओके रेडी? यस लेट्स गो। आप बता दो, इनसाइड नो वीडियो नो फोटोग्राफी? नो फोटोग्राफ नो वीडियोग्राफ। ओके ओके ओके। 2 आवर्स लेटर। वो देखो अपना बच्चा लेकर आए हैं यहाँ पर,
बेबी हो गया ना इनका, तो मत्था टिकाने लाए हैं हम भी, लाए हैं ना अपना बेबी मत्था टिकाने। ओ हमें दिखा सुपरमैन, ये उड़ गया तो गया 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 डस्टबिन में सामान डाल के आया। तो अभी अभी मेरे को एक चीज़ और पता लगी, जो भूटान की पूरी पॉपुलेशन है ना वो सिर्फ 7 लाख है। कैसे पता लगी? तो ये किसी मैम को बता रहे थे कि प्रभजोत के फॉलोअर 4 मिलियन है, तो आगे से मैम ने बोला हमारी तो पूरी पॉपुलेशन ही 7 लाख है, इसकी 40 लाख है। तब मैं हंसा, तब मेरे को पता लगा सिर्फ 7 लाख। और उसमें से बता रहे हैं जिसमें से 40-50 हज़ार ऑस्ट्रेलिया चले गए। बताओ सिर्फ 6.5-7 लाख पॉपुलेशन है, तभी कितनी खाली खाली क्लीन कंट्री दिखती है। नहीं रोड पे घूमो कोई नहीं दिखता, अभी यहाँ पर भी देख लो पीछे कोई नहीं है, खर्च है आगे भी कोई नहीं है, दूर तक कोई भी नहीं है, वेरी पीसफुल। तो मेरे को ना यहाँ से ये लेकर जाना है, ये देखो यार कितना ही बढ़िया लग रहा है, ये बड़े वाला लेने का मन था कि ये लेकर जाऊँ, लेकिन ये पैनियर में आएगा नहीं, तो छोटे छोटे 2-3 लेकर जाएंगे। क्यों? दिस इज द फलस। फलस टेम्पल इज वेरी फेमस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, द टेम्पल टोपोकिल इज फलस। चलो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ जो उन्होंने हमें अंदर बताई। मोबाइल तो नहीं अंदर अलाउड था, वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि जिसको भी चाइल्ड चाहिए होता है ना, ये जो फलस होता है उस लड़की को फलस टांग के पीठ पे मंदिर के तीन राउंड मारने होते हैं, और बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा, मतलब कैसे बताऊं, जमीन से इतना बड़ा टांग के उसको 3 राउंड मारने होते हैं। और तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे वो राउंड मारेंगे इसको लेके उनको शर्म नहीं आएगी? तो उन्होंने बोला शर्म आएगी, लोग देखेंगे उनको शर्म आएगी, उससे क्या होगा ना जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होगी। तो सुन के मेरे को भी अच्छा लगा कि ये चीज़ है, कि अगर जिस चीज़ से मैं शर्म आ रही हूँ ना भाई ये काम मेरे को नहीं करना चाहिए, लोग देख रहे हैं, उससे क्या होगा नेगेटिविटी, मतलब हमारे जो बुरे कर्म है वो दूर होंगे। तो इन्होंने बताया दिखाओ जो है वो चीज़ दिखाओ। फोटो लूंगा। इतना बड़ा फलस था जिसको पीठ पे टांग के घूमना होता है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। वैसे तो आपकी शक्ल है ही ऐसी, लेकिन और ऐसी और ऑलरेडी है ऐसी। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ एक ये मास्क, 2 छोटे-छोटे ग्लास और एक मैग्नेट। मैग्नेट तो और जगह से लेता ही, इसको सीधा करिए मैग्नेट को। टोटल कितना हो गया ये वाला मैग्नेट? हाँ टोटल पूछ के डिस्काउंट। ये आ गए हम बड़ी दुकान पे। ओ भाई साहब सब कुछ है यहाँ, क्या चाहिए बोलो। ये देखो मेरे को ये भी अच्छा लग रहा है यार, क्या सही लग रहा है ना, दिखाना। और ये भी अच्छा लग रहा है। और ये सारे देख रहे हो, ये सारे के सारे स्टोन है जिनके ऊपर बनाया हुआ है ना, ओरिजिनल स्टोन। टच करो, हाँ पता लग रहा है, फील हो रहा है। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। भाई ये शॉप देख रहे हो, वहाँ से हम एंटर हुए थे, और ये देखो ये अंदर अलग ही दुनिया है, शॉप के अंदर शॉप, और ये देखो फिर से अंदर शॉप है ना। कह रहे मेरी शक्ल मत दिखाना इसके साथ, कह रहे कोर्ट में। दिस इज जस्ट अ हैरेसमेंट, दिस इज फॉर द अफसोस। ये गिराए क्यों जा रहे हो तुम? अरे नीचे मत गिराओ, कुछ नहीं फूटेगा, नहीं टूटेगा, ये जहाँ फेंकने से भी देखो ऐसे इतना क्वालिटी अच्छा है यार, ऐसे मत करो, पर गंदा है ये। समझाओ मैम सर को कुछ। ये इनको अक्ल नहीं है। दिस वन कंटेनर दे टू मार्केट लाइक दिस, गंदा कुछ नहीं होता है देखो। बट तुम्हें अगर ऐसे फेंकेंगे हम है ना, देखो वो भी क्या कह रहे हैं। हेलो मैम क्या कह रही है, एक बार दोबारा बोलना ये चीज, इनको कुछ सिखा के जाइए। अरे मैं कह रहा हूँ दावा सर ना, वो भाई साहब भी चल के आ रहा है मारा मिट्टी। तो इससे पहले आपने जो भी वीडियो देखी, ये सब भूटान का पार्ट है, यहाँ का कल्चर है। और हम शॉप में भी गए शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो पहले मैं सोचा था दिखाऊँ ना दिखाऊँ, वही मैंने दावा जी से बात करी, 2-3 बंदों से बात करी, तो उन्होंने बोला जहाँ आए हो जहाँ का जो कल्चर है वो तो दिखाओ, यहाँ पर क्या करने आए, रोडे नापने आए हो। फिर मेरे को भी फील हुआ कि नहीं भाई रोडे नापने नहीं आए, जो जहाँ कल्चर है वो दिखाना चाहिए। और अभी इन्होंने मेरे को खुरपी दी है, खुरपी मेरे मुँह में ना छाला हो रहा है यहाँ पर रोड के नीचे ना, उन्होंने खुरपी दिया खाने के लिए, खुरपी खाओ, ये क्या होता है ना मुंह को सोख लेती है, उससे क्या होता है छाला अपने आप ठीक हो जाएगा शाम तक। अब बोला खा रहा हूँ देखता हूँ होता नहीं होता। चले भाई चले, चलो भाई लेट्स गो, निकले यार यहाँ से। अब हम जाएंगे और एक बुद्धा का स्टैचू है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, वो देखने जाएंगे, उसके बाद जाएंगे थिम्पू, फिर जाएंगे पारो। ये देखो भाई हमारी कैरावैन आ गई हाईएस्ट, इसी में हमने कैरावैन बनाई थी, और क्या सही लग रही है रेड ब्लैक शीशों के साथ। अभी हम जाएगा पारो, आप चलेंगे साथ? मैंने आर्ट कर लिया। चलेंगे आप? चलेंगे? हाँ बिल्कुल, वेल ले हो
हमारे जैसे हो सर आप, ये भी हमारे जैसे है। बैठो बैठो इसके पीछे, बैठो करना के पीछे, टेंशन ना लो आप। आप लोग सब ये पान खिलाओगे ना, ये खिलाओ खिलाओ, ये लो, ये सबकी जेब में मिलेगा भाई। यहाँ ये पत्ते हो ताजा मूल ना, ताजा मूल क्या, तामूल, ताजा मूल तो वो रहा। अच्छा मेरे भाई चलो, ओके बाय 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 बाय। मैंने इनको बोला चलने के लिए, कह रहे अरे मजाक कर रहा था, मुझे काम है यहाँ पर। मैं बोला ओके, नहीं तो हम ले जाते बिठा के पीछे इनको पारों तक। देखो कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है जिनके बारे में बात करने में हम शर्माते हैं। ये देखो दीवार पे पेंटिंग बनी हुई है। इनके कल्चर में क्या है, ये लोग कहते हैं कि शर्माओ मत, जिस चीज़ से तुम्हें शर्म आ रही है उसके बारे में खुले हम बाहर निकल के बात करो, तुम्हारी शर्म भी दूर होगी, उससे क्या जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है मतलब तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी है वो भी दूर होगी। चलो चले इस राइड में ना, हमने भूटान में सारे मौसम देख लिए, तगड़ी वाली ठंड भी देख ली, बर्फ़ भी देख ली, अभी तगड़ी वाली धूप हो रही है, हवा चल रही है, फ्लैग देखो कैसे झूल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अंदर मैंने वार्मर भी पहना हुआ है क्योंकि आगे जाके ना एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ठंड मिलेगी, आज एक पास क्रॉस करना है इसलिए वार्मर पहन लिया, लेकिन अभी तगड़ी वाली गर्मी मिल रही है, टेम्परेचर 26 डिग्री हो रहा है। हमारे गाइड जी ने बताया ये जो फ्लैग है ना वाइट वाले, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके 13वें या 15वें दिन ये लगाया जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर हटा दिए जाते हैं। आई थिंक टोटल 13 या 14 फ्लैग बताए थे जो लगाए जाते हैं। कैसी मार्केट है, सारी सब्जियों की है पूरा यहाँ तक। कितने सारे फ्लैग लगाए हैं, बहुत ही सारे। कोने में मंदिर भी है, स्तूपा भी है, ये देखो। वैसे तुम्हारे भाई को कलर इतने पसंद है और इतने सारे कलरफुल फ्लैग्स दिख जाते हैं ना, मन होता है रुक के फोटो क्लिक करा लो, लेकिन बहुत सारी मैंने करा ली ऑलरेडी। हम जा रहे हैं अभी डोचुला पास, डोचुला पास क्रॉस करके आएगा थिम्पू, 5 किलोमीटर रह गए यहाँ से और ठंड बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर हो गया 11 डिग्री। शायद हम लोग पहुँच चुके हैं, वो लिखा डोचुला व्यू रिजॉर्ट। अरे रिजॉर्ट नहीं जाना हमें, हमें डोचुला पास पे जाना है, वो रहा सामने शायद 1 किलोमीटर। लो जी लो पहुंच गए हम लोग डोचुला पास। ओ हो हो, ये बता रहे थे यहाँ पर मेरे ख्याल से 108 स्तूपा बने हुए हैं, ये टोटल 108 हैं यहाँ पर, इतने सारे कहीं पर भी नहीं है पूरे भूटान में साथ में। ये देख रहे हो लाइन में ऊपर भी नीचे भी बड़े छोटे मिला के, यहाँ से मारेंगे यू टर्न, पूरा सर्कल मारेंगे, फिर स्टॉप करेंगे, फिर फोटोज लेंगे, फिर आगे जाएंगे। अब देखो दूर से क्या सुंदर लग रहा है। मैं गिनती भूल गया हूँ शायद, कुछ तो ये बता रहे थे। कितने हैं ये टोटल, कितने, 108। ओ मेरे को नंबर याद है इसका मतलब, शार्प माइंड। इन्होंने मेरे को कल बताया था ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर 108 बने हुए हैं। सुंदर है यार ये, वो देखो ऊपर, वो भी सही लग रहा है। तो एक बार मैं आपको बता दूं ये जो 108 स्तूप है यहाँ पर क्यों बनाए गए हैं, जो यहाँ का फोर्थ किंग था ना उनकी 4 रानियाँ थी, और जो चौथी रानी थी वो जंग जीत के आए थे एक्चुअली में राजा, तो जो चौथी रानी थी उन्होंने यहाँ पर 108 स्तूप बनाए थे खुशी में। और एक चीज़ और बता दूं, जो यहाँ पर हमें गाइड लेकर आना होता है ना कि बाइकर्स के लिए ज़रूरी है गाइड लेकर आना, 2019 में क्या हुआ था, इंडिया से कुछ बाइकर आए थे, नाम वाम हमें कुछ नहीं पता, उनको भी नहीं पता, और उन्होंने क्या किया था फोटो क्लिक कराने के लिए ये स्तूपा पे चढ़ गए थे, इसके ऊपर चढ़ गए थे, और जितने आने जाने वाले बंदे थे ना उन्होंने उनकी फोटो खींची और इतना ज़्यादा वायरल हो गया, तभी उन्होंने गाइड करा कि गाइड साथ में लेकर आना ही है, गाइड होगा तो उनको पता लगेगा इस चीज़ के ऊपर नहीं चढ़ना होता, ये उनका कल्चर है और इसको वो पूजते हैं और तुम इसके ऊपर चढ़ गए, ये रिलीजियस चीज़ें हैं, इसलिए गाइड उन्होंने कंपलसरी कर दिया। बस मैं ये कहना चाहूँगा अगर भूटान से कोई देख रहा है ना, गाइड करो लेकिन थोड़ा सस्ता करो। है भूटान वाले कर रहे हैं ना गाइड, तो इंडिया वाले क्या करेंगे, वो कह रहे हैं इंडिया से कोई देख रहा है तो उसको बोलो कि वो सस्ता करे गाइड, इंडिया से कोई देख रहा है तो इंडिया वालों को बोलूं कि भूटान वाला गाइड सस्ता करें, कि भूटान वालों को बोलूंगा बार्गेनिंग करो इंडिया वालों। नहीं नहीं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहता हूं, भूटान से कोई भी हाई अथॉरिटीज देख रही हैं तो प्लीज़ गाइड सस्ता करो, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, ये तो हम बहुत सारे बाइकर आए हैं मिला जुला के थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। अगर मैं अकेला आ रहा होता एक दिन का गाइड का 4500-4700 उनका पेट्रोल का 9000 रुपये लगा लो, अगर मैं 10 दिन घूमता तो 90000 रुपये मैं सिर्फ गाइड को दे रहा हूँ, बाकी रहना खाना पीना मेरी बाइक का खर्चा मेरा खर्चा, बाइक के लगते 4500 मेरे लगते 1200, 10 दिन के हिसाब से वो भी लगा लो, बहुत महंगा पड़ जाता है। तो प्लीज़ अगर कोई देख रहा है, बहुत बंदे यहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन इतना महंगा है ना उस चक्कर में ट्रैवल करते नहीं है,
बस इतना ही कहना चाहूंगा, अभी चाय पीते हैं आगे निकलते हैं। बाइक देखो कितनी सुंदर लग रही है। और एक चीज़ और दिखाऊं, ये देख रहे हो जैसे हम घर पे अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं ना, तो यहाँ पर भी जलाया जाता है फॉर गुड वाइब्स, अच्छी खुशबू फैलाने के लिए हर जगह। यहाँ की बस देखो कितनी प्यारी है, कलर कॉम्बिनेशन देखो ना ब्लू और वाइट का। बस अपने को एक ड्रोन उड़ाने की परमिशन और मिल जाती ना, क्या दिखता है ये ड्रोन से, पूरे 108 एक साथ में दिखते ना स्टूपा, बहुत सही लगते। थोड़ा नीचे उतर के ना 4-5 किलोमीटर अब जाके थोड़ा टेम्परेचर सही हुआ है, ऊपर 7-8 डिग्री हो गया था, अभी 11 डिग्री हो गया, हाथ एकदम सुन पड़ जाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता रहता ना हाथ एकदम सुन पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि बाइक चलती है ना सीधा हाथों में हवा लगती है। ओ धूप भी निकल आई, वेरी गुड सूर्य देवता, थैंक यू। तो हमारे आगे जा रही है टोयोटा हाइलक्स, ये भी हमारी फेवरेट कार में से एक है, लेकिन डिक्की वाली नहीं, इसमें तो पूरी वो डिक्की बनी हुई थी ना, हमें चाहिए डाले वाली जिसमें अपना सामान भर लो, बाइक चढ़ा लो, अगर कभी इन फ्यूचर लेंगे तो वो सामने दिख रही बुद्धा जी की मूर्ति बहुत बड़ी, गोपरों में नज़र नहीं आएगी क्योंकि हल्के हल्के बादल है ना, वो सामने आई थिंक सामने सिमठोखा है जो आने वाला, जगह का नाम है सिमठोखा। कैसे बना रखा ना पहाड़ों के बीच में, ये दीवारें देखो ना कैसे पहाड़ों के बीच में घुसा रखी है अंदर, ऐसा लग रहा है। और ये पेड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी हम इस पहाड़ पे है, बुद्धा जी की मूर्ति उस पहाड़ पे है, ऐसे ऐसे जाएंगे, आई थिंक कोई बीच में ब्रिज आएगा, फिर उस पहाड़ पे पहुंच जाएंगे, फिर घूमते फिरते बुद्धा जी के पास पहुंच जाएंगे। कितनी बड़ी सिटी है ये, है ना, पूरी दूर तक जहां तक नजर जा रही है ना घर ही घर है। तो ये हम सिटी में आ चुके हैं, यहाँ पे हॉर्न अलाउड नहीं है और हाई बीम अलाउड नहीं है आपकी बाइक या गाड़ी की, और ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है जब तक सामने वाला इंडिकेटर ना दे, तो सिटी में बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। देख रहे पुलिस वाले खड़े हैं वहाँ पर, होए अब देखो सामने कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे घर बने हुए हैं 1, 2, 3 एक के ऊपर एक। यहाँ से नीचे वाली रोड भी दिख रही है जाते हुए, एक से एक गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, एक से एक पुरानी पुरानी नई नई, ये देखो पुलिस की गाड़ी देखो। अभी हम मेरे को लग रहा है मेन सिटी में आ गए हैं, यहाँ दिखेंगी अच्छी अच्छी चीज़ें, बच्चों के झुंड जा रहे हैं, पैदल ही पैदल जाते होंगे ना, घर आसपास ही होगा इनका। आज धूप तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, ओ ये कितना सही लग रहा है, कितना बड़ा स्तूपा, दिखना ही बंद हो गया अब। ओ अब देखो अब दिख रहा है क्लियर स्तूपा, सोचो शहर के बीचों बीच बना हुआ ये। सुंदर, बहुत सुंदर भाई, और बहुत सारे बंदे अंदर प्रेयर्स भी कर रहे हैं, उसके आसपास परिक्रमा भी कर रहे हैं, फ्लैग सी फ्लैग है। अब ये मोड़ मुड़ते देखना, वो नजर आ रहे बुद्धा जी, क्या बड़ी मूर्ति है, इतनी बड़ी तो उम्मीद नहीं करी थी। इसको कहते भूखी नंगी, ये देख रहे हो, ये देखो पैकेट खुला और कैसे निकाले इसे, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है ना, ये देखो अपना हाथ दिखा पहले, आपको मिला? किसने खाया सारा हमारे बस आप वो भी तुम हाथ दिखा दे, मेरे हाथ में लेज है भाई, पूरा पैकेट इसने अलग ने गायब कर रखा है, ये लो ये देखो ऐसे देते हैं, दियो सबको ये बताएंगे, एक मिनट गाइड तो झूठ नहीं बोलेगा ना, किसने खाया सबने नहीं खाया, पूरा उधारी में भी लग गया, बस अब तो हो गया अलग से वो दूंगा मैं, ये देख रहे हो आपको लगता होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, अब गाइड क्यों मेरा साथ देंगे, ऐसे ही करता है, अब दूंगा। भूख इतनी तगड़ी लग रही है ना मैं क्या बताऊं, लेकिन हमने सोचा पहले ये देख लेते दिन दिन में, फिर थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, इसके बाद नीचे उतरेंगे, जो नीचे शहर दिखाया था ना मैंने आपको, ये है थिम्पू, थिम्पू शहर में अपना लंच करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे पारो, और क्या सुंदर लग रहे हैं ना ये, बहुत ही सुंदर। ये देखो इसकी हाइट है 169 फुट, 169, देखो खन्ना कैसे छोटा सा लग रहा है, चींटी जितना। अभी ना अपने को यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लद्दाख जैसी फील भी आ रही है, क्यों आमिर भाई, है ना, वहाँ पर भी वो स्तूपा के आसपास घूमते हैं ना, सेम वैसे ही बना हुआ है, लेकिन ये मूर्ति बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, एक बार सामने से दिखाता हूँ, सामने से और बढ़िया फील आएगा। ओके
ओके, ये देख रहे हो कितने सारे ये टेबल से बने हुए हैं, यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन करते हैं, है ना। यहाँ सारे बंदे बैठ जाते हैं और ये देखो सामने। तो यहाँ सारे लाइन में बैठ गए मेडिटेशन करने के लिए, मजा आएगा। एक के पीछे एक, मेरी चेयर ये वाली है। तो हम सोच रहे हैं 10 मिनट के लिए यहाँ पर बैठ जाए, आंखें बंद करके एकदम मन को शांत करके, कोई वीडियो नहीं, कोई फोटो नहीं, और मेडिटेट करते हैं। इतनी दूर तक आए, कुछ तो करके जाए। तगड़ी हवा चल रही है, तगड़ी। और ये हड़ी कह रही है यहाँ पर, और ये देखो छोटी छोटी मूर्तियां भी कितनी सारी हैं, लाइन में है, लाइन में। हम लोग तो वहां से आ गए, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, कान एकदम सुन हो गए हैं। साहिबा अंदर गई है मंदिर के दर्शन करने के लिए, हम भी करके आ गए थे, लेकिन मंदिर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बुद्ध जी की बना सकते हो। अभी हम जा रहे हैं थिम्पू, वहां पर करेंगे अपना लंच और उसके बाद जाएंगे हम पारो। पारो कितना किलोमीटर है यहाँ से? 10 से 54 होगा, लेकिन हम लोग एक घंटा भी नहीं लगेगा। 54 किलोमीटर को एक घंटा भी नहीं लगेगा? एकदम मक्खन रोड। चलो फिर, चलो चलो, अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए आज। होप आपको अच्छा लगा होगा, देखो मेरे को तो बहुत मज़ा आया। हवा बहुत तगड़ी चल रही थी, बस अगर मैंने पगड़ी बांधी होती ना, कान मेरे कवर होते, या कोई ऐसी टोपी होती जिससे कान कवर होते, तब और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन तगड़ी वाली हवा चल रही, ठंड लगने लग गई थी हल्की हल्की। अब अपन जा रहे लंच करने के लिए, भूख लग रही है ऐसी कि पेट में चूहे नखून मार रहे हैं। खाओ खाओ, कुछ तो खाओ। ये नीचे घर देख रहे हो, सबकी छत ना या तो रेड नज़र आएगी या ग्रीन नज़र आएगी। जिनकी छत रेड है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जिनकी छत ग्रीन है वो प्राइवेट घर है। ये मैंने उनसे पूछा था, वो कोई कलर नज़र नहीं आएगा, रेड या ग्रीन। डॉगी को देखो, डॉगी को देखो, सबके पीछे भाग रहा है। बीटी, आई थिंक टैक्सी की नंबर जो होती होगी वो बीटी होता होगा। अभी एक आधी टैक्सी दोबारा देखनी पड़ेगी। ये देखो ना, सारे नंबर प्लेट बीपी है। यहाँ पर कुछ शहर वाइज डिवाइड, यहाँ पर कुछ भी शहर वाइज डिवाइड नहीं होता। हाँ वो देखो ना, उस तरफ टैक्सी जा रही है ना, टैक्सी की नंबर प्लेट बीटी है। अब बीटी का मतलब मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जितनी भी टैक्सी हैं सारी बीटी हैं। और टैक्सी की छत भी येलो होनी ज़रूरी है, कोई भी गाड़ी हो, भले वो वैगनार हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी हो। वो देखो वो जा रही है, उसकी भी बीटी, बीटी की फुल फॉर्म पूछना पड़ेगा। ओए ग्रीन, अच्छा ये ग्रीन कलर की, ये इलेक्ट्रिक टैक्सी होगी भाई, देखो बीटी है ये भी। कमल का फूल बनाया हुआ है, साथ में पक्षी भी बैठे हैं दो तीन। ओ भाई यहाँ की मार्केट देखो, अलग ही है, सबके ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं उनकी उनकी दुकान के, और लाइन में है, लाइन में छोटी छोटी दुकान दे रखी है सबको। क्या सही लग रही है ना, पारो में भी पता नहीं ऐसी मार्केट मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं तो एक बार तो ये मार्केट घूमनी चाहिए यार। वो साइड बैग कितने अच्छे लग रहे हैं यार, और हवा देखो कितनी तेज चल रही है, उसका दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो रहा है। आप लोग विंडो शॉपिंग कर लो, जितने बंदे देख रहे हो ना, कि क्या क्या मिल रहा है, अपने आप वीडियो रोक रोक के देख लेना। बिल्कुल मेन सिटी में घूम रहे हम थिम्पू में ना, कितनी सुंदर बनाई हुई है। और पूरे थिम्पू में आपको एक भी रेड लाइट नहीं दिखेगी, एक भी रेड लाइट नहीं दिखेगी। तब भी देख लो कोई भी रूल नहीं तोड़ रहा, सारे लाइन में खड़े हैं, किसी को आगे जाने की जल्दी नहीं है। ये देख लो पूरी रो खाली है, यहाँ जाम लगा हुआ, लेकिन कोई भी यहाँ से नहीं जा रहा। ओ वो देख बेबी पॉइंट, बेबी भी लगा यहाँ से, तेरे को चाहिए बेबी, जा ले अपनी बेबी, जा तू ले, हम आगे मिलेंगे, फोन कर लियो, बेबी पॉइंट है यहाँ। अच्छा साहिबा बता रही, बेबी पॉइंट मतलब बच्चों का सामान मिलता है यहाँ, दूध की बोतल, डाइपर, बच्चों के कपड़े। हर्ष को लग रहा था बेबी मिलेगी।
एक से एक गाड़ियां देखने के लिए मिलती है यहाँ पर। ओ भाई देख रहे हैं आमिर, क्या सही लग रही है यार, 4x4। ओए होए 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 होए, इस पर तो दिल आ गया यार मेरा, दिल खुश गाड़ी थी ये, दिल खुश गाड़ी। कितना सुंदर गेट लग रहा है ना, और गेट के दोनों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, एक ये रहा एक उस तरफ भी है। बाइक पार्क का टाइम आ गया, वो देखो व्हाइट कलर की गाड़ी, CLO है क्या ये? ओ भाई साहब, टोयोटा करोला, क्या सही लग रही है ना, सुंदर सी पिदगी सी। और एक चीज़ और दिखाऊं, ये देखो इनका साइड मिरर टूट गया होगा ना, तो इन्होंने क्या लगाया हुआ है यहाँ पर, छोटे वाला शीशा। ओके हम लोग पहुँच चुके हैं क्लॉक टावर, यहाँ शाम को आराम से बंदे बैठते हैं, बेंच वेंच लगे हुए हैं, यहीं पर हम कहीं खाएंगे, सीढ़ियाँ भी है। ये है ना क्लॉक टावर, ये ना ये क्लॉक टावर। मुझे समझ नहीं आ रहा ये चारों घड़ियों में टाइम गलत क्यों दिखा रहा है, 7:45 दिखा रहा है, लेकिन 7:45 तो भी हो ही नहीं, अंधेरा हो जाना चाहिए था ना, कुछ तो चक्कर है। चलो हम वहीं पर एक कैफ़े है वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कुछ बढ़िया खाने को मिल जाए। आया ना आपको भूख ऐसी लग रही कि अभी कुछ भी मिल जाए खा लेंगे, मतलब थोड़ा अच्छा मिल जाए तो और बढ़िया, लेकिन चारों घड़ियों में टाइम गलत कैसे हो सकता है। तो ये रहा मेन्यू, इसमें से हमें ढूंढना है क्या खाना है क्या नहीं, और कैफ़े भी सुंदर है। क्या नहीं, जो खाना वो कैसे ढूंढोगे? जो नहीं खाना उसको देखना पड़ेगा ना कि ये नहीं खाना। मेन्यू ले आ, सीट पर बैठते हैं, ले आ एक मेन्यू। और यहाँ बढ़िया सोफे लगे हुए एकदम। ओ भाई हेलमेट रखने की जगह भी है, ये तुम्हारे भाई ने टांग दी हेलमेट, गिरेगा तो नहीं, ये बढ़िया यार सीटिंग है ना। नूडल्स हैं ये, यूज़ किए हैं हर्ष ने, ऑर्डर करिए नूडल्स, मैंने किया चिकन बर्गर, और ये है चिकन बिरयानी, और ये क्या है, चिकन फ्राइड राइस। तेरे को पता है क्लॉक टावर की घड़ियाँ ख़राब है? ठीक तो है। नहीं जब मैं कह रहा तब भी 7:45 हो रहे थे, अभी भी यही हो रहा है टाइम, 5 मिनट नीचे हो तो क्या? नहीं 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 यही है सेम, 5 मिनट नीचे यही है यही है, और चारों घड़ियाँ ख़राब है चारों तरफ की। अभी रात हो गई ना, थोड़ा धुंधला दिख रहा है मेरे फ़ोन में, लेकिन व्यू बढ़िया है यहाँ का, सही है। हम थिम्पू की जगह, पारो की जगह थिम्पू भी तो रुक सकते थे एक रात, वो उन्होंने पहले बुकिंग कराई हुई है ना हमारे गाइड साहब ने। गाइड बाय 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 बाय। तो अपने को सब्सक्राइबर मिल गए थे, यहीं खड़े हुए थे, उनको नहीं पता था हम कहाँ बैठे हुए हैं, तो बाइक के पास ही खड़े थे, हम बाहर आए तो मिल लिए। हमारा रूट प्लान कुछ ऐसा ही था, वैसे तो मेरे को अब देख के लग रहा है थिम्पू रुकना चाहिए था एक दिन, लेकिन हमने पहले ही सारी की सारी प्री बुकिंग करी हुई है, क्योंकि वो बता रहे थे प्री बुकिंग करके चलना पड़ता है, एट ए टाइम होटल नहीं मिलते हैं, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है यहाँ तो मिल ही जाता। हमने पारो में बुकिंग करी हुई है जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर है, तो पारो जा रहे हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर फ़्लाइट से आऊँगा, पूरा एक्सप्लोर करूँगा थिम्पू को, काफ़ी बड़ा शहर है, शॉपिंग के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग साहिबा करके लाई है, मैंने कुछ भी नहीं करी, लेकिन मेरे को बड़ा वो हो रहा है, मेरे पास जगह ही नहीं है पैनियर में, अगली बारी खाली सूट केस लेकर आऊँगा यहाँ से, बढ़ के शॉपिंग करके लेके जाऊँगा। ओ भाई भूटान में भी एक्सीडेंट देख लिया, पूरा बम्पर चला गया। ओ लॉर्ड ऑल्टो थी भाई, लॉर्ड ऑल्टो का एक्सीडेंट हुआ है, हे भगवान लॉर्ड ऑल्टो को ठीक रखना। अब करवाएंगे पेट्रोल रिफिल, जब से मैं घुसा हूँ ना भूटान में एक ही बारी पेट्रोल करवाया, अभी 47 किलोमीटर अभी भी दिखा रहा चलेगी, लेकिन भरवा लेते हैं। ये क्या, ओ खाली डीजल, कोई दिक्कत नहीं, 47 किलोमीटर अभी भी है, और यहाँ से पारो रह गया सिर्फ 28 किलोमीटर, तो पारो पहुँच सकते हैं आराम से, हम कल भी डलवाएंगे तब भी काम हो जाएगा। मुझे नहीं पता गोप्रो में नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, ये है पारो झोंग, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, अलग ही लाइटें दिख रही है रात को ना इसकी, दिन में फिर से दिखा देंगे, बहुत सुंदर है बहुत सुंदर। वेलकम टू पारो माउंटेन कैफ़े, दुनिया भर के कैफ़े, हैंडीक्राफ्ट की दुकान। ओ भाई R1 R15 थी ये, इसको देख के R1 की याद आ गई मेरे को, सही है, मार्केट है तगड़ी यहाँ पर। फाइनली 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 हम लोग पहुँच गए हैं अपने होटल, और खन्ना जी पहुँचते ही भाग गए हैं, मैं नहीं बताऊँगा कहाँ गए हैं। ओ भाई के बाद बंद हो जाएगा सब बात। डिनर का अभी तो खा के आए हैं, और ये देखो अभी सारा सामान फैला हुआ, अभी रूम में जाएंगे। क्या करें? जा पहुंचते पहले डिनर का, हाँ, और फिर खाना ही नहीं, आज खाना ही नहीं, नहीं खाए यार, अभी तो खा के आए हैं, पेट भरा हो ना तो ऑर्डर भी नहीं होता, आधे घंटे में देते क्या ऑर्डर? स्विगी नो, जोमेटो नो, क्विक फिक्स नो, फेवी क्विक नो, सो यू हैव टू ऑर्डर कुछ
यहाँ पर शॉपिंग सेंटर भी है और सबसे बढ़िया चीज दिखाऊँ आपको, ये देखो ब्रोच दिखाना ढंग से, इंडिया का ब्रोच लगा हुआ है भाई कुर्ते पजामे में। वाह, इंडिया और भूटान दोनों साथ में है। यू लव इंडिया और नॉट? यस वी लव, वी इंडिया एंड भूटान वी आर फ्रेंडशिप नो। यस सो वी लव ब्रदर ब्रदर या ब्रदर ब्रदरहुड नो सर ब्रदरहुड। ओके ओके, तो ये अपना रूम है और काफी बड़ा रूम है और आज हमने काफी बड़ा हमने सोचा सारे आज साथ में सोएंगे, आज एनुअल पार्टी इसका लास्ट डे है, मतलब मतलब दुनिया का लास्ट डे नहीं मतलब राइड का लास्ट डे, तो कल जा रहा है ये खुजली हो रही है, जुए तो नहीं है दाढ़ी में, है भाई सांप है आज ऐसा लग रहा है थकावट असली हुई है, इतने दिन हमने राइड कर ली ना, आज असली घूमे भी हैं, एक्सप्लोर भी किया, वो बुद्ध जी की मूर्ति देखी, वो टेंपल देखा और एक दो चीज़ और देखनी थी जो कि रह गई हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका था, कल देखेंगे, कल उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। दो चूल्हा पास अच्छा था हाँ, ठंड भी थी वहाँ तगड़ी वाली, हाँ एकदम सुन हो गए थे। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, होप करते हैं आपको इस वीडियो में मजा आएगा, कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करें, मैंने बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टेल देन बाय, टेक केयर, और नहीं थे बाय 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 बाय, हमेशा फोन पे लगा रहा था ये आदमी ना, हमेशा फोन पे, चलो बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।